अगर जरूरत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। हिंदुस्तान को क्या रखना चाहते हैं आप, जाइए पाकिस्तान में। बीच बहस में पाकिस्तान, मुद्दा भारत का और जिक्र पाकिस्तान का। बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया कोई भी फैसला क्यों ना हो, चाहे वो देश का आंतरिक मुद्दा हो या बाहरी, हर मुद्दे और बहस के बीच में पाकिस्तान का जिक्र आना मानो रिवाज बनता जा रहा है। पाकिस्तान भारत के हर मुद्दे पर अपनी नापाक बयानबाजी से जैसे बाज नहीं आता, ठीक वैसे ही भारत में भी कुछ लोगों को बिना पाकिस्तान का नाम लिए चैन नहीं आता। नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। दिन की सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं, श्वेता भट्टाचार्य। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुई प्रताड़ना को समझने के लिए पाकिस्तान में रहना चाहिए। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वो NPR के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे और अगर कोई सरकार के विचार से मतभेद रखता है तो उसे पाकिस्तान चले जाने के लिए कह दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि अखिलेश की बात सही है या स्वतंत्र देव की नसीहत। बीच बहस में पाकिस्तान में आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आप साथ दोगे के नहीं दोगे, सवाल ये है। आप लाखों आप विदेशी आ गए हिंदुस्तान के अंदर, तो यदि नहीं पूछा जाएगा उनसे तो कैसे आप चलाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को क्या रखना चाहते हैं, आप जाइए पाकिस्तान में। आप भी सोच रहे होंगे कि बीच बहस में पाकिस्तान की बात कहां से आई। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह अखिलेश यादव को पाकिस्तान भेजने की बात कह रहे हैं। पहले दिन से ही NRC और CAA का विरोध कर रहे अखिलेश यादव ने जब NPR का फॉर्म भरने से इनकार कर दिया तो स्वतंत्र देव सिंह ने उनको पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। अगर जरूरत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आप साथ दोगे के नहीं दोगे, सवाल ये है। आप लाखों आप विदेशी आ गए हिंदुस्तान के अंदर, तो यदि नहीं पूछा जाएगा उनसे तो कैसे आप चलाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को क्या रखना चाहते हैं, आप जाइए पाकिस्तान में। ये कोई पहला मौका नहीं जब अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने CAA के सहारे सियासी आवाज उठाई। हमेशा ही अखिलेश यादव CAA को काला कानून कहते नजर आए हैं। इस काले कानून के खिलाफ हैं। हमारा लोकतंत्र धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करता, हमारा संविधान भेदभाव नहीं करता। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का भेदभाव जानबूझ करके कर रही है जिससे उन्हें कुर्सी मिलने में आसानी हो। NRC और CAA के नाम पर अखिलेश यादव की विदेश से जुड़ी चिंता भी सामने आ चुकी है। अखिलेश दावा करते हैं कि CAA को लेकर दुनिया में देश का नाम खराब हुआ है। भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने क्या कहा है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या दुनिया के किसी हिस्से में, अगर आप इंटरनेशनली जानकारी करेंगे तो सबसे ज्यादा खिलाफ CAA के माध्यम से हुई है। CAA, NRC और फिर NPR के बहाने अखिलेश यादव ने कई सियासी कारनामे किए। हर मोर्चे पर विरोध करने के बाद अब बीजेपी अखिलेश पर हमलावर हो गई है। लगातार विरोध के बाद अब अखिलेश को पाकिस्तान जाने की सलाह दी जाने लगी है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या विरोधियों को पाकिस्तान भेजने भर से काम चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। ऐसे में R9 टीवी जो है कुछ सवाल उठा रहा है, उन सवालों को आपके सामने रखते हैं। क्या पाकिस्तान भेज देने से काम चल जाएगा, विरोधियों को अगर पाकिस्तान भेजने से काम चलेगा, अखिलेश के साथ क्या सभी विरोधी को पाकिस्तान भेजेंगे, विरोध करने वाले को पाकिस्तान भेजना कितना सही, क्या अखिलेश अभी भी CAA को समझ नहीं पाए हैं, NPR से अखिलेश यादव को आखिरकार दिक्कत क्या है, क्यों कह रहे हैं हम फॉर्म नहीं भरेंगे, आखिरकार दिक्कत क्या है ये भी तो बताइए। तो इन्हीं सवालों के जवाब जो हैं आज हम चर्चा में अपने गेस्ट पैनल से लेने की कोशिश करेंगे। चलिए गेस्ट पैनल से आपका
इंट्रोडक्शन करा देती हूं। बीजेपी के नेता शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर हरीश भारद्वाज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर एम यू दुआ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर अब्दुल हमीद नौमानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और जगत गुरु परमहंसाचार्य भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ सपा के नेता जो हैं अरशद खान हमारे साथ स्काइप से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवम जी आप ही के पास आना चाहेंगे, विरोधियों को पाकिस्तान भेजने से काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा किसने कहा? किसी ने नहीं कहा कि विरोधियों को पाकिस्तान भेजने से काम चल जाएगा। पाकिस्तान जाइए, वहां लेकिन इतना जरूर है जिसको हिंदुस्तान में हालात खराब लगते हैं उसको एक बार जाकर पाकिस्तान देखकर आना चाहिए कि वहां पर हालात कैसे हैं। आपको इस देश के हर कानून से परेशानी है, केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाती है आपको उससे परेशानी है, राम मंदिर पर निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देती है तो विपक्ष को उससे भी परेशानी है, 370 हटाएं तो उससे भी परेशानी है, CAA से भी परेशानी है, NPR से भी परेशानी है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप इस देश के कानून में मानते हैं कि नहीं मानते? हर चीज को भारतीय जनता पार्टी या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर इस देश में जो लेजिस्लेशन ने पहले से कानून बनाए हैं, आप किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, सीधा सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि नहीं ये गलत है, संविधान के खिलाफ है। हम कहते हैं बात कर लीजिए तो बात नहीं करते। अपनाया जा सकता है ना, आपकी पार्टी सत्ता में है तो दूसरा तरीका तो अपनाएगी। CAA को लेकर जो कंफ्यूजन था, जो अब बीजेपी कर रही है, जिस तरीके से समझाने की कोशिश चल रही है, टॉप टू बॉटम की बात करूं, अब बनाए जा रहे ना इस तरीके से कि आप हर राज्य में हर स्तर के लोग जो है वो CAA को लोगों तक पहुंचाएं, तो कोई तरीका तो अपनाया जा सकता है, सीधे पाकिस्तान भेज देंगे, लोगों को बताया गया है। लेकिन परेशानी ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री दोनों ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में कहा है, गृह मंत्री जी लगातार मीडिया पर आकर कहते रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा है। मैं तो श्वेता जी कहूंगा कि आपने भी इस देश के लोगों को बताया है, दिन रात आपने भी समझाया है कि ये कैसे इस देश के खिलाफ नहीं है, इस देश के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इस देश के विपक्ष के जो नेता हैं जिन्होंने जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की है, जिस तरह से इसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की है, उसके आधार पर जिस तरह से इस देश में हंगामा हुआ है वो भी आपने देखा है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हमने लगातार कम्युनिकेट करने की कोशिश की है और सरकार ने हमेशा बताया है कि आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन जब एक देश में, उस देश के खास एक प्रदेश में तो एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहने लगे कि मैं NPR फॉर्म नहीं भरूंगा, तो इसका क्या मतलब है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं आप इस देश की लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े हैं? बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि वहां पर माइनॉरिटीज की हालत इतनी अच्छी है, मतलब अगर सरकार के खिलाफ अगर आपने हिंदू वहां पर इतनी खुशी से रहते हैं, माइनॉरिटीज वहां पर इतनी खुशी से रहते हैं, तो एक बार जाकर देख कर आइए। पाकिस्तान ही क्यों, कहीं अच्छी जगह भेज दीजिए ना। अगर 370 पर स्टैंड रहा तो उसमें भी आपने पाकिस्तान की भाषा बोली, तीन तलाक अच्छा, मतलब पर अगर फैसला आया तो उसमें भी आपने पाकिस्तान की भाषा मतलब बोली, अगर राम मंदिर का फैसला आया उसमें भी आपने पाकिस्तान की भाषा बोली। अब सारी बातें आपकी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा पर एक ही है तो क्या करे सरकार जी, बताइए। सवाल यही उठ रहा है कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ लोग हैं और जनता सड़कों पर है तो सारी जनता को आप पाकिस्तान भेज देंगे? किसने कहा? किसी ने कहा क्या ऐसा? हम तो लगातार कहते रहे हैं कि नसीहत दी जा रही है, जनता को हमने बताया है, हमने समझाया है, हमने पूरी कोशिश की है। आप कहते हैं बसपा सपा कांग्रेस को मुस्लिम वोट नहीं करेंगे। किसी देश का विपक्ष जो है उसकी एक एक लाइन जो है आपके बराबर पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री से मिलने लगे तो आप क्या करेंगे? आप सबकी लाइनें उठा लीजिए, वो सारी लाइनें प्रधानमंत्री पाकिस्तान। हरीश जी, बसपा सपा कांग्रेस को मुस्लिम जो है वोट नहीं करेंगे, ये भी कहना है स्वतंत्र देव जी का कि वोट नहीं मिलेगा, आप लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहे हैं और ये जो दंगे फसाद हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं साजिश जो है वो विपक्षी पार्टियों की है। शिवम जी, मैं गलत कोट तो नहीं कर रही? देखिए श्वेता जी, मैं आपको यहाँ पर शिवम जी के अभी जो इन्होंने बोला है उस पर ही मैं कोट करते हुए बोलना चाहता हूँ। इन्होंने पिछले दो मिनट के जो वक्तव्य में कम से कम 50 बार पाकिस्तान का नाम लिया। सवाल पाकिस्तान पे था तो क्या करता? और प्रश्न ये है कि ये लोग भगवान राम का इतना नाम नहीं ले रहे जितना कि पाकिस्तान का नाम ले रहे। क्योंकि सवाल पाकिस्तान से संबंधित पूछा गया है। क्या है ये पाकिस्तान कहकर मुझे, इनकी जो राजनीति है वो बहुत ही ओछी और गंदी है। ये लोग भारत के नागरिकों के बीच में, अगर 70% लोगों ने इस देश के भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और 30% लोगों के आधार पर आज भारत की भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आसीन है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि 70% लोगों को आप पाकिस्तान आप शायद इतिहास नहीं जानते। ये राज देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको 1.5% वोट नहीं मिला और वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, फिर भी हम तो 32 देते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप पाकिस्तान चले जाओ।
ऐसा उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन पाकिस्तान का जो रट है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, पिछले 6 वर्षों से ये निरंतर देश के लोगों में हिंदू और मुसलमानों के बीच में भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो 370 के माध्यम से हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक के माध्यम से हो, चाहे CAA के माध्यम से हो, किसी न किसी प्रकार से यहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक विभाजन की रेखा तैयार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत की संस्कृति बचेगी, भारत की सभ्यता बचेगी, या ये लोग जो भारत को विभाजित करने की एक कहीं ना कहीं पर एक भूमिका तैयार कर दे रहे हैं, इससे ये देश को हमें बचाना है। इस देश की जो संस्कृति है, आचार्य जी बैठे हुए हैं हिंदुत्व के, वहां पर लिखा हुआ है अयम निजे परो वेति गणना लघु चेतसाम विशाल हृदय नाम चे वसुधैव कुटुंबकम। हमारी ये परंपरा है, हमारी परंपरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, हमारी परंपरा है प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। ये हिंदुत्व की परंपरा कांग्रेस की परंपराएं हैं, और उस परंपरा को से हट करके ये लोग इस देश के लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे एक ही सिर्फ राजन है, कारण है वो ये है, 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक रूप से जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त कर दी है, बेरोजगारी चरम पर है, यहां पर आर्थिक स्थिति भारत की चरमरा गई है, GDP 2% पर अगर एक्चुअल रूप में देखें तो 2% है, कारोबार ठप पड़े हुए हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, व्यापार ठप हो गए हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस हिंदुस्तान के लोगों को 24 घंटे सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजित करके अपना मानसिक दोहन करके भारत की जनता का अपना वोट बैंक केवल वोट बैंक की राजनीति। बहुत वक्त दे दिया, एक सवाल भी पूछ लूं और कुछ बता भी दूं सर। ये जो कांग्रेस पार्टी, आपने कहा ना कि आपने जिम्मा उठाया है संस्कृति और सभ्यता हिंदुस्तान की बचाए रखने की, तो सर बीइंग एन इंडियन मैं कह रही हूं, पार्टियां आएंगी जाएंगी, रहे ना रहे, आपका नामो निशान मिट सकता है, ना संस्कृति मिटेगी ना सभ्यता मिटेगा जब तक एक भारतीय जिंदा, बिल्कुल नहीं मिटेगा। तो पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन आप ये मत कहिए कि हमने कारोबार उठा लिया, प्रयास किया जा रहा है, एक भारतीय जिंदा है पूरे विश्व में, भारत की संस्कृति और सभ्यता वहां जिंदा है, ये मत कहिए, आप ये मत कहिए ना सर। तो आप एक बात बताइए, आपने समझाने की कोशिश की, CAA हो NPR हो, दर्द कहां है सर? आपके समय में NPR नहीं था, CAA जो लेकर आए, NRC हो, NRC की बात नहीं थी, असम में NRC जो हुआ क्या उसकी बात पहले से नहीं थी, राजीव गांधी के 85 का करार नहीं था। सुनिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसके तहत अनेकों लोगों को हमने भारत की नागरिकता दी है, चाहे वो मदर टेरेसा रही हो, अदनान सामी को अभी मोदी जी ने दी थी, लेकिन स्पेशली आज ये 1955 का सिटीजन एक्ट के तहत 5, 6, 7, 8 सारे आर्टिकल को आप स्टडी कर लीजिए, उसमें ये किसी को भी नागरिकता देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझ के भारत के प्रियम्बल को खत्म करने के लिए, मुसलमानों को किसी प्रकार से प्रताड़ित करने के लिए, केवल एक धर्म विशेष के लोगों को राजनीति आपने नहीं की सर, शाबानों केस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन का है और ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नहीं है। 26 सितंबर 1947 को प्रार्थना सभा में बैठकर इस देश के राष्ट्रपिता ने बराबर के मुल्कों के माइनॉरिटीज को कहा था कि अगर आपको वहां दिक्कत होती है तो आप यहां आ जाइए। 1949 सितंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी ने कहा था खड़े होकर कि वहां की माइनॉरिटीज को हम देखेंगे। 1951 नेहरू लियाकत पैक्ट आपने किया, मनमोहन सिंह ने खड़े होकर लालकृष्ण आडवाणी से 2003 में आपने पूछा, प्रकाश करात की चिट्ठी अभी आपके सामने है। भाई आप ही की तो वो सारी मांगे हैं जो पूरी हो रही है, आपको दर्द कहां है? अरे ये पूरा का पूरा लेआउट आप ही का है। और एक और, इस देश को गुमराह करना बंद करें, इस देश में और इन तीनों देशों से अगर कोई मुस्लिम भी आना चाहता है वो प्रॉपर तरीके से कागज जमा करके आ सकता है, लेकिन तारों के नीचे से अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो उसको वापस जाना पड़ेगा। नहीं, कारों के नीचे से आने वाले घुसपैठियों को आप आधार कार्ड देते रहो, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। आप जवाब दीजिए, NPR से दिक्कत क्या है? अरे भाई, शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क होता है, अगर आप उसे पढ़ेंगे, शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क है, शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क है। एक बार सवाल ले लो, आप धर्म के आधार पर शरणार्थी, धर्म के आधार पर नहीं, माइनॉरिटी परसिक्यूशन। 1957 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को बना लिया था, इसमें भारत की गलती है, उन तीनों देशों में मेजोरिटी में मुसलमान है, भारत की गलती है, वहां पर वही 6 माइनॉरिटी जातियां हैं, उसमें हमारी गलती है, तो माइनॉरिटी
को शेल्टर दे रहे हैं ना, माइनॉरिटीज को शेल्टर दे रहे हैं, धर्म की कोई बात ही नहीं है, धर्म की तो कोई बात ही नहीं है, धर्म आप बना रहे हैं। श्रीलंका को 2000 आपको पता नहीं है, यही तो आप तैयारी करके नहीं आते। 2008 में श्रीलंका में सिचुएशन थी, पहले भी नाराजगी आती थी, चाहे जमीन नाराजगी के कारण लोग इस देश में आए, उनको बनाने की कोई जरूरत नहीं, श्रीलंका के लोगों को दिया गया था, बाकी किसी को नहीं दिया। नागरिकता संशोधन कानून बनाएगी, सबको नागरिकता दे सकते थे, जिसको नहीं देना चाहते ना देते, लेकिन ये कानून जानबूझकर हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए लड़ाने के लिए लाया गया है। इस कानून के बनाए बगैर भी नागरिकता पहले भी दी जाती थी, अभी भी दी जा सकती थी, केवल इस कानून की जरूरत नहीं थी। और 72 सालों में हर 10 साल पे जनगणना होती है। अरे यहाँ पे ऐसे बात करेंगे, बड़े लीडर हैं। 10 साल पहले भी एनपीआर बना, लेकिन मोदी और अमित शाह के एनपीआर फॉर्म नहीं भरे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो भड़काने वाली बात नहीं हुई क्या? अर्शद खान, ये भड़काने वाली बात नहीं हुई? मैं तो फॉर्म नहीं भरूंगा, भरवा के दिखा लो, नहीं भरूंगा तो क्या करोगे? तो आप लीड करते हो, आप लीडर लगाया हुआ, बवाल पैदा किया हुआ, दंगा फसाद पैदा हुआ अमित शाह का है। एक महीने पहले अमित शाह ने कोलकाता में भाषण करते हुए कहा था, पहले हम सीएबी ले आएंगे, फिर एनआरसी लाएंगे, और हिंदू सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, वो रैली वाला भाषण आपने सुन लिया, और लोकसभा और राज्यसभा में जब अमित शाह जी बोल रहे थे तब टीवी बंद कर दिए थे। राज्यसभा में जो उन्होंने बयान दिया है मीडिया में, जनमान है वो नहीं सुने थे, तब टीवी बंद कर लिया था। अमित शाह उसको भी सुन लेते, बाप का नहीं है, मतलब हम बोल रहे आपने मोदी अमित शाह के बाप देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, अमित शाह के बाप का है, उसके सबसे बड़े प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि मैं एनपीआर से फॉर्म नहीं भरूंगा तो ये अराजकता है। हर क्या है, अराजकता है ये? बिल्कुल सत्याग्रह है, सत्याग्रह का नाम देकर बेइज्जती मत कीजिए। पहले ही आपकी नेता ने दंगाइयों को शहीद कह के इस देश के शहीदों का अपमान कर दिया। एनआरसी और सत्याग्रह करने गए तो थे राजघाट पर, 2 घंटे पहले उठ के आ गए, ठंड बढ़ गई, सत्याग्रह करेंगे आप? दिक्कत कहाँ है? आप इस तरह की बयानबाजी जब करेंगे, आप पार्टी के लीडर हैं, आप एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, कितने लोग, कितने कार्यकर्ता जो आपको फॉलो करते हैं, आप कहेंगे कि मैं तो फॉर्म नहीं भरूंगा, क्या करोगे करवा लो? आपको दिक्कत कहाँ है? उन मुद्दों को लाना चाहिए। और वो जिक्र करते हैं सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया? सर जरा उठा के पढ़ लीजिए कि क्यों किया गया था। साउथ अफ्रीका में भी इस तरह की चीजें लागू की जा रही थी। क्या बाहर से आए हैं? आपको करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एनपीआर पहले नहीं था, आपको दिक्कत कहाँ है सर? बिल जला दिया था, हर 10 साल पे जनगणना देश में होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनकी जनगणना से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनकी नीयत खराब है। ये भाषण देते रहे पहले अमित शाह जी की, इनको निकाल देंगे पोजीशन ये है कि एन कैन प्रकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जितने भी लीडर हैं, चाहे लोगों को भरोसा में है चाहे ऑपोजिशन में है, वो जो है सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है, हर पार्टी कर रही है, यो हर पार्टी कर रही है, जो ठीक नहीं है देश के लिए और समाज के लिए। जहां तक बीजेपी का त्यागी जी ने कहा, तो अगर ये जो चीजें लाना था, बिल लाना था, तो जनता के बीच में इसका एक डिबेट कराते, एक महीने का बहस करवाते, मीडिया के थ्रू करवाते, तो मैं समझता कि जनता कोई आवाज नहीं उठाती। यहां भी सीए का ज्यादा मुद्दा नहीं है, एनआरसी का मुद्दा है जो अभी नहीं आया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब एनआरपी जो ला रहे हैं तो पहले से जनगणना है, आपके पास पहले से आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, आपके पास जो है पासपोर्ट आपका, तो ये सारी चीजों को नहीं मानेंगे। तो ये जो झगड़ा है, अगर किसी की बोलने की अभिव्यक्ति है तो उसको बोलने का पूरा अभिव्यक्ति बनता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी कहती है कि हमारा जो है ओपोजिशन होना चाहिए, कोई तो आवाज उठाए, तो हमारे बीच में आवाज उठाने वाले अगर कोई भी उठा रहा है, और जनता उठा रही है, खास करके स्टूडेंट उठा रहे, जो आज वो पावर है
47% हमारे भारत के अंदर नौजवान है वो आवाज उठा रही है, उसको आप सुनना नहीं चाहते, उसको दबाना चाहते, उसको अरेस्ट करते, उसे गोली मार देते हैं। और बेरोजगारी की समस्या है हमारे के यहाँ, महंगाई हो रही है, तो उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। ये जवाब देना चाहता हूँ सम्मान के साथ, आपको कहना चाहता हूँ एनपीआर का डेटा इसलिए कलेक्ट किया जाता है, प्लीज आप समझिए, हर 10 साल में जनगणना होती है लेकिन हर 10 साल में लोग गरीबी रेखा से ऊपर भी आते हैं, उनका डेटा लेना इसलिए भी अनिवार्य है कि किसको कितना लाभ मिला है। कोई अगर गरीबी रेखा से ऊपर है तो किस तरह से उसको लाभ मिलना बंद होना चाहिए। एक दूसरा, आपने कहा कि इस देश की जनता सड़कों पर है, ये जो पीएफआई के लोग गिरफ्तार हुए ये आपको दिखाई नहीं दिए, ये गुमराह जो लोगों को किया जा रहा है ये आपको दिखाई नहीं दिया, और आप कहते हैं कि इस देश की जनता को कम्युनिकेट नहीं किया। अरे इस देश के गृह मंत्री ने खड़े होकर कम से कम स्पेसिफिकली 10 बार इस्तेमाल करते हुए कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बिल आपके लिए नहीं है। लेकिन परेशानी ये है जब इस देश में प्रियंका गांधी कहेंगी दंगाइयों को कि शहीद है वो, तो एक चीज बताइए फिर, तो दंगाई और शहीदों में कोई फर्क ही नहीं है। मतलब दंगा करके जो किसी को मार के पुलिस की गोली का शिकार हुआ और जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, उन सबको बराबर कर रहे हैं। शिवम एक बात कह रहे हैं, डॉक्टर दुआ एक बात कह रहे हैं कि पहले कम से कम जनता को तो अपने पक्ष में लेना चाहिए था समझाने के। देखिए बहुत सी ऐसी भीड़ में जनता भी थी जो यूं ही पहुंच गई है। नमानी साहब क्या आपको नहीं लगता है कि एक वर्ग विशेष की जब बात आ जाती है तो सभी पार्टियां राजनीति करने लगती है, ये कहते हैं कि हम नहीं कर रहे, इसका इस्तेमाल दूसरी पार्टियों ने किया है, इनके साथ तो हमेशा राजनीति हुई है। इसके पहले राजनीति जो है वो दोनों तरफों का आंदोलन, अगर ये कहा जाए कि ये जो है ये मुसलमानों के पक्ष में है या उसके खिलाफ है, ये दोनों कहते हैं मुसलमानों जब केंद्र में रखा जाता है तो ये समाज जो है बढ़ता है, देश भी बढ़ जाता है। हमारे बाप ने बनवाया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दोनों ने जो है और आजादी एक जो है सांप्रदायिक सोच और मानसिकता के तहत जो मुसलमानों को कहा मुसलमानों को जो है इससे कोई जो हानि होने वाली नहीं है, मुसलमानों को क्यों कह रहे भाई, नागरिकों की बात करो जो संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है वो क्यों नहीं याद कर रहे। पहले जो गांधी जी ने कहा था या मनमोहन सिंह ने कहा था या जो है जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने मुसलमानों का अलग नहीं किया था। मैं कहता हूं कि आपने चीन का काम नाम क्यों नहीं लिया तिब्बत के संदर्भ में, श्रीलंका का नाम क्यों नहीं लिया आप जो है तमिलों के संदर्भ में, और आपने भूटान का काम क्यों नाम क्यों नहीं लिया जो क्रिश्चियनों के संदर्भ में, जो उनको जो है त्यौहार मनाने के लिए नहीं दिया जाता, वो साल में जो है वो आसाम जाते हैं अपना त्यौहार मनाने के लिए, तो चूंकि वहां पर जो है हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं बनता था इसलिए जो भाजपा वाले पाकिस्तान सिर्फ बोलने के लिए डिबेट में नहीं आया जाता, मेरा ख्याल सुनना भी चाहिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्यों नहीं लिया, 2008 और 2009 में श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी, वहां से सुन लीजिए जरा, यहाँ पर इस देश में 1 करोड़ लोग तमिल आए थे, तब इन 3 देशों को नहीं बुलाया था, ये कोई किसी जाति विशेष के लिए नहीं है भाई। और जो गांधी जी की आप बात कर रहे हो उन्होंने भी माइनॉरिटी परसिक्यूशन के लिए कहा था, तो हम भी माइनॉरिटी की बात अब अफगानिस्तान में माइनॉरिटी में, आप बताइए मुसलमान अफगानिस्तान में माइनॉरिटी में, पाकिस्तान में माइनॉरिटी में, क्या मुसलमान बांग्लादेश में माइनॉरिटी में, कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि आप बोल रहे हो, आपसे ज्यादा ज्ञान है, अरे ज्ञान होगा आपको लेकिन लोगों को बगलाइए मत, झूठ मत बोलिए, आप वहां के नागरिक बहुत बोली है, आप कोई ठेकेदार नहीं है मुसलमानों के, न मैं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को अगर कुछ बताना है सही बताइए, सही बताइए, इस देश में माइनॉरिटी से आते रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई लाभ नहीं है इस बात से, लेकिन परेशानी आपकी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही हैं, समाज को नहीं भगा पाते, इस देश में भारतीय जनता मालूम होता है जो पाकिस्तान को मां के जहर से लेके आया है। नमानी साहब कहना चाह रहे हैं भाई आपने सिर पर मुसलमानों का सर क्यों रखा है, आप एंगल डालते हैं पाकिस्तान में लेके आया जो
नौमानी साहब, नौमानी साहब कंटिन्यू करना, प्यार है ना, नौमानी है ना पाकिस्तान से, आपको दिक्कत ही है, क्या करें हम, क्या करें, जब आप पाकिस्तान कहते हो अब क्या करें, आप पाकिस्तान की बात करना बंद कर दीजिए, हो जाएगी अपने आप बंद, थोड़ा थोड़ा शांति से, नौमानी साहब सुन लीजिए, आपने कितना किया था पता है, मुस्लिम लीग को इस देश में उत्तर प्रदेश और बिहार से कितनी वोटें मिली थी सबको पता है, इस देश के सेपरेशन में किसको हाथ कर रहने दिया, नहीं जाना चाहता 1947 में, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उनको वोट चाहिए, हो गया, हो गया, हो गया, एक मिनट नौमानी साहब, नौमानी साहब और भी गेस्ट हैं, सबको कह लेने दीजिए, सुनना चाहिए, जब कोई कह रहा है ना सुनिए, कहीं पॉइंट रेज करना मैं बिल्कुल मौका दूंगी, लेकिन सुनील कौशिक देखो बार बार मुस्लिम स्कॉलरशिप बैठे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भाजपा ने कहा कि मुसलमान, मुसलमान शब्द क्यों यूज हो रहा है, कि मुसलमान का भला नहीं होगा या मुसलमान का नुकसान नहीं होगा, शायद इन लोगों ने जो वो डिबेट में बैठे हुए हैं, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, सारी पार्टियों के लोगों की बात कर रहा हूँ, यदि इनने 1955 का सिटीजन एक्ट पढ़ा होता ईमानदारी से और उस एक्ट को पढ़ने के बाद आज चर्चा की होती तो मुझे लगता है ये नौबत नहीं आई। बिल्कुल 1955 के एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट तौर से न मुस्लिम न कुछ, केवल अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात की गई है। उन दोनों देशों में जब 1955 में जब नेहरू जी की सरकार थी, जब एक्ट आया तो कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक, अब अल्पसंख्यक में ऑटोमेटिक वहां के जो लोग हैं वो पारसी हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, वो समायोजित हो जाते हैं, लेकिन संविधान ने कहीं नहीं लिखा केवल अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के अलावा। दूसरा जो 2019 में एक्ट बीजेपी लेके आई है उसमें भी कहीं शब्द का यूज नहीं हुआ, या कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, उसमें भी लिखा है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, यहां राजनीति हो रही है। और मानवर आप अमित शाह का अगर आप ये चला दें तो तमाम नेताओं के बयान करा दीजिए, आप तमाम नेताओं के बयान के आधार पर ही चलेगा, किसी हम लोगों को समझने का मौका चाहिए ना, अब किस व्यक्ति ने क्या कहा, किस व्यक्ति ने क्या कहा, इसमें छोड़िए। और श्वेता बात कर रहा हूं, 2016 में सीए को लेकर के, सीएबी को लेकर के लोकसभा में प्रस्ताव आया, संयुक्त संसदीय कमेटी को यह प्रस्ताव भेजा, वहां के 30 लोग मेंबर थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, अन्य पार्टियों के लोग भी थे, और 3 साल तक संयुक्त संसदीय कमेटी के पास ये बिल रहा, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार हुआ जो 2019 में लागू हुआ। वहां इन पार्टियों के प्रतिनिधि मर गए थे क्या, उनमें जबान नहीं थी, कलम नहीं थी, जो आज चिल्ला चिल्ला के सारे लोग ये देश में आग लगाने की बात कह रहे हैं, अब वहां ड्राफ्ट में ये बातें अपनी कहते ना कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हटाइए, हिंदू मुस्लिम करिए उसमें, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान बांग्लादेश की बात क्यों कर रहे हैं, नेपाल और श्रीलंका की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उस ड्राफ्ट में नहीं कहा, उस ड्राफ्ट में आप मोनी बाबा बनके बैठे रहे, उस बार उस ड्राफ्ट में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कह रहा हूं उस ड्राफ्ट में राजनीति होती है, जब संसद में दिया गया संख्या को बहुसंख्यक बात करते तो खत्म हो जाता, वहां हुआ कहा नहीं ना उन्होंने, ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, किसने क्या राजनीति की भाषा में यूज किया मुझे नहीं मालूम, मैं उस ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ जो मैंने बड़ा बारीकी से पढ़ा है, उस पार्टी के प्रतिनिधियों को ये प्रस्ताव रखने चाहिए थे कि नेपाल के, श्रीलंका के, चाइना के लोग भी होने चाहिए, उन लोगों ने क्यों नहीं रखे, 30 मेंबर की कमेटी बहुत बड़ी कमेटी होती है जो 3 साल ड्राफ्ट करने, 3 साल लगते हैं ड्राफ्ट तैयार होने में, वहां किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि ने नहीं जवाब देंगे। दूसरा एक और सुन लीजिए, उसके बाद आज आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, वो कह रहे हैं कि मैं पीएनआर फॉर्म नहीं भरूंगा, ये नहीं भरूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने ओबीसी को एससी में लाने का प्रयास किया, कैबिनेट ने पास किया, लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। जी यही तो बात है, सुनो हमें संविधान पर भरोसा है तो हम सड़कों पर उतरेंगे क्या, वो लोग सड़कों पर उतरे क्या, आप ये बताइए सरकार ने कोई भी निर्णय लिया, मैं वही कह रहा हूँ सरकार ने कोई भी निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं ना, ये सही नहीं। अरे चेंज भी तो हुए हैं सुनील जी, बीजेपी ने वही प्रस्ताव लाया सुनील जी, बस क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर दिया तो यहाँ पे एक एड ऑन कर देना चाह रही हूँ बस सर, और कहीं कुछ काटना नहीं चाह रही हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला लिया था शाहबानो केस तो याद होगा, बिल्कुल, कौन वो किया पलटा, किसने किया राजनीति, मुस्लिमों की राजनीति किसने की, सहबानों को लेकर नौमानी जी, हरीश जी, तीनों से पूछूंगी किसने की राजनीति, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, 2018 में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, लोग सड़कों पर आए, सरकार ने चेंज किया कि नहीं किया, तो आप यदि संविधान पर भरोसा करते हैं
तो संविधान के दरवाजे खुले हैं, ये नहीं है कि संसद ने कोई कानून बना दिया तो आप सड़कों पे उतर के उसका विरोध करेंगे। सड़कों पे कानून बनेगा, सड़कों पे कानून बनेगा। और दूसरी बार हमारे द्वारा प्रतिनिधि बैठे थे, वो कर गोली चली। जगत गुरु आपका एक रिएक्शन चाहूंगी, सबको सुना आपने, उसके बाद अभी भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पे भी बोल लीजिए सर, हिंदुओं की स्थिति पे भी बोल लीजिए, और जरा पाकिस्तान के मुल्क में भी हिंदुओं की स्थिति, क्योंकि अल्पसंख्यक तो वही है वहां सबसे ज्यादा, उस पर भी सर क्या लगता है कि किस तरीके से चीजों को, अभी सभ्यता संस्कृति की बात हो रही थी, भारत की संस्कृति सभ्यता की बात हो रही थी, तहस नहस किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। तमाम राजनीतिक पार्टियां ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो उसे नुकसान पहुंच रहा है, धूमिल होती जा रही है, और सब उसी के नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, इसमें जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव जी को जो नसीहत दी है, इसमें यह है कि जो भाषा पाकिस्तान हमेशा यूज करता है, विपक्ष हमेशा विपक्ष की भाषा उसी से क्यों मिलती है। और मैं बताना चाहता हूं सीएए को लेकर के जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, और अखिलेश यादव सहित जो भी विरोधी पार्टियां उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई, इससे साफ साबित हो गया कि ये लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। जब सीएए, जब ये कानून बन चुका, आप प्रदर्शन कर रहे थे, आपको जो है सत्याग्रह की तर्ज पर प्रदर्शन करना चाहिए। आपने, किसी भी राजनीतिक पार्टी विपक्षी दल ने लोगों से अपील नहीं किया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये लोग हमेशा पुलिस को ब्लेम लगा रहे हैं। ये कहां का नियम है कि अराजक और हिंसक प्रदर्शन हो, पुलिस की चौकियां फूंक दी जाए, पुलिस के ऊपर पथराव हो और पुलिस के ऊपर ब्लेम भी लगाया जाए। मैं समझता हूं जिन पार्टियों ने इस तरह से हिंसक प्रदर्शन का सपोर्ट किया है, उनको तो सही मायने में अगर कहा जाए तो चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो पाकिस्तान जाने की नसीहत दिया है, पाकिस्तान जिस समय बटा, बटने के बाद देखिए वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं को किस तरह कत्ल करके, और ट्रेन में लगातार 3 दिन तक हिंदुओं की डेथ बॉडी आती रही, लेकिन सुनिए यहां एक भी मुसलमान नहीं मारा गया। और आज आपको बता दूं, सुनिए सुनिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे, सुनिए सुनिए, मैं काट सकता हूं, गलत है, पूरे वर्ल्ड में कि बल्ले की भावना से आप काट लगाएंगे, हम उसको खून खराबा कराना चाहते हैं, हमने आपकी बात सुनी है, मैं कंडेम करता हूं, हमारी बात सुनिए, ये कंडेम करते हैं, ये ठीक नहीं है। हम कहते हैं सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर सिस्टम से बात होनी चाहिए, क्या बात है, आदत रखिए, अगर वो ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, यहां सबसे ज्यादा सुखी इसलिए है कि हम हिंदुओं के बीच में है, तो वो सेक्युलर पे बात पूरे वर्ल्ड में आप पता लगा लीजिए, हमारा देश है, सुनिए आप सुनिए, हमारा देश है, हमारा घर है, यहाँ पे हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन आपको आग लगाने के लिए आपका घर आए, आपको कोई आग नहीं लगा रहा है, आपको आग लगाने के लिए ये कैसे करेंगे कि वो आग लगा रहे हैं या आप लगा रहे हैं, जिस तरह से ये सब था आप सुनने के पहले और रखिए, हम कहते हैं कोई भी आंदोलन हिंसा करके क्या वो आंदोलन होगा, क्या पुलिस की चौकी फोड़ आंदोलन गलत है, आपने कहा हिंसक आंदोलन गलत है, एक मिनट जगत गुरु, नौमानी साहब खुद कह रहे हैं कि हिंसक आंदोलन गलत है, आप कह रहे एक मिनट सवाल पूछ लेने दीजिए, अर्शद खान सवाल सुन लीजिए, क्यों आई हूँ आपके पास, नौमानी साहब यहाँ बैठे कह रहे हैं हिंसक प्रदर्शन हमेशा गलत है, और आपके नेता कहते हैं अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमारी सरकार आएगी, तो सीएए को लेकर जो लोगों ने प्रदर्शन किया, जिन्होंने पुलिस के डंडे खाए, उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा, और हम जो है पुलिस वाले जो फुटेज में दिख रहे हैं कि वो उन्होंने डंडे बरसाए हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। वाह, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है जनाब जी? ये वोट बैंक की
नहीं, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसाफ की बात है। सारे आंदोलन से चला रहे थे लोग, शांतिपूर्ण थे, पुलिस ने जाके मामला बिगाड़ा, पुलिस ने खुद मामला बिगाड़ा, और योगी जी चाहते थे दंगा फसाद हो सरकार बचाने के लिए, पुलिस ने एक तरफा झगड़ा भड़काया और पिटाई शुरू किया, कुछ नौजवान उग्र हो गए। उग्र आंदोलन नहीं होना चाहिए, एक सवाल है जो उग्र आंदोलन समाजवादी पार्टी हिमायत नहीं करती, यदि आप इसको इंसाफ कहते हैं, जिस तरह से बर्बरता लाठी चलाया, आप इसको इंसाफ कहते हैं, 92 में जब आपने गोली चलवाई थी पुलिस से, वहाँ इंसाफ नहीं होना चाहिए क्या? वहाँ इंसाफ नहीं होना चाहिए क्या? वहाँ इंसाफ नहीं होना चाहिए क्या? वो भी इंसाफ होना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी, जितने लोग आंदोलनकारी थे हम उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। आप गोली चलाई गई, आप कहां से बात कर रहे हो? आप इंसानियत की बात करते हैं? 25 लाख हिंदुओं को, निहत्ते हिंदुओं को भूल दिया गया, आप किस कहां की बात कर रहे हो भाई? डॉक्टर क्या है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत नुकसान किया है। आर्थिक रूप से उन्होंने नोटबंदी के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी बहस में, इस पूरी बहस में लोगों को फंसा कर वो सरकारी संस्थानों को बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं, देश के सरकारी संस्थानों को बेच डाल रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया है। केवल भारत के लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, जो संलिप्त लोग थे उनकी कमर टूटी है भाई साहब। बिल्कुल, देखिए मैं आतंकवादी जो गतिविधियों में संलिप्त है उनकी घोर भर्त्सना, उनको फांसी दीजिए, उनको जेल भेजिए, लेकिन जो आप बनाऊंगा ना, जो है जो इसका जरूर बनाएगी कांग्रेस, उन लोगों को जो यकीन में बन के लाए, उनको जेल भेजिए, ईमानदारी से काम करिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अब जनता की आवाज आ रही है, उस आवाज को भी सुनिए, जनता सड़कों पर खड़ी हुई है, उस आवाज को भी सुनिए, उस आवाज का जवाब दीजिए, उस आवाज को देश के लोगों की आवाज, दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, आप भी तो सुनिए, बेरोजगार त्रस्त है, आज बेरोजगार त्रस्त है, आज रोजी रोटी लोगों को नहीं मिल रही है, लोग परेशान है, उसका जवाब दीजिए। 2019 के चुनाव से पहले ही नोटबंदी हुई, 2019 के चुनाव से पहले ही लागू हुआ, 2019 से पहले ही बेरोजगारी की बातें हुई, आपने सारी चुनाव में कहीं जनता ने क्यों नहीं मानी? जीएसटी को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के, हाँ, जनता नाराज होती, हाँ, तो 2019 के चुनाव में 303 सीट कैसे आती? अब हार भी तो रही है सर, हार भी तो रही है, देश के लोग भोले भाले हैं, आपने पाकिस्तान का नाम लेकर सुन लीजिए, आपने लोगों का है, पूरा देश आपसे जा रहा है, हमारे बच्चों को आजादी लोग बेवकूफ बनाने वाले नहीं है, यहाँ के हिंदू भाई समझ गए भारतीय जनता पार्टी को, सुन लीजिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, न मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ, आपने कहा हारने की बात, उससे पहले आपने कहा कि वोट पर लोकतंत्र में हार, सुन लीजिए ना, अब पूरी बात सुन लीजिए, लोकतंत्र में जब हारता है, मुझे सुन लीजिए ना, मुझे 405 सीट, और आप अब भी गलतफहमी में जी रहे हैं, आप अब भी गलतफहमी में जी रहे हैं, और दो सीटें भाजपा की थी, आप अब भी गलतफहमी में जी रहे हैं। अरे कौशिक जी, ऐसा नहीं है, हम एक बार फिर आएंगे और पूरे बहुमत से आएंगे, ये सत्ता चल सी रहती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को, सिद्धांतों को कभी भी कमजोर नहीं, देश के गरीबी सब तक अपनी दुकान चलाओगे, ये दुकान बंद करो, सारे अखिलेश जी को पाकिस्तान भेजने की क्यों कहा गया, ये सवाल समर्थन नहीं करते उसका, आगजनी का, ये भी अच्छे लोग समर्थन नहीं करते, कोई आगजनी का समर्थन नहीं करता, कोई हिंसा का समर्थन नहीं करता, नारे लगाए पाकिस्तान जाकर देश के लोग, भाईचारा, अहिंसा का देश,
देश है, ये गांधी का देश है, इसे गॉडसे का देश मत समझो। हरीश जी, हरीश जी, हरीश जी, गांधी का देश बिल्कुल। टॉपिक पे आ जाइए, टॉपिक पे आ जाइए, सभी से रिक्वेस्ट है एक मिनट टॉपिक पर आ जाइए, टॉपिक पर आ जाइए। हरीश जी, हरीश जी, आपके पार्टी का फोरम नहीं है, आपके पार्टी का ये फोरम नहीं है, प्लीज बस। पाकिस्तान भेजने के लिए इसलिए कहा गया। मुझे सवाल पूछने, मुझे सवाल पूछने, नौमानी जी, नौमानी जी, नौमानी जी, पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में बसाना चाहते हो, हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान भेज रहे हो, मिला लो दोनों को, मिला लो, खत्म करो, कर लिया, हो गया, दोनों को मिला के खत्म करो, कंटिन्यू कर लो, ये जो है राजनीति शास्त्र का भेद रहा है, तो वहाँ उनको ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में बसाने के कानून ला रहे हो, हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान भेज रहे हो, जगत गुरु एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नौमानी साहब क्योंकि बोल रहे थे और न्यूट्रल है, एक राखंड भारत वाले कहाँ चले गए, एक मिनट, लेकिन देखिए श्रद्धा जी एक बात तो है, जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है पूरा इतनी बेहतरीन से डिफेंस करता है, मतलब सब कुछ सुन लेंगे पाकिस्तान पर कुछ नहीं सुनेंगे, आप एक बार पाकिस्तान का नाम लेते पाकिस्तान का नाम लेते ही सारे के सारे ऐसे चिल्ला रहे जैसे किसी सगे भाई के बारे में कुछ बात कर दी, समझ रहा हूँ आपकी परेशानी, कोई बात नहीं, कुछ राजनीति से लेना देना है, मारा रात दिन जप रहे हो, अरे थोड़ा सा शर्म करो, इस देश की सच्चाई को स्वीकार करो, कंटिन्यू कर लो मैं डिबेट शिवम, एक मिनट, अब सब शांत हो जाइए शिवम, क्योंकि अब आपने बोला कि पाकिस्तान का नाम सुनते विपक्ष एक हो गया, अभी जिस तरीके से सुनील कौशिक ने बताया ड्राफ्ट में कहीं भी नहीं है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक था, नौमानी साहब ने भी यही सवाल उठाया था कि क्यों मुस्लिमों का जिक्र किया गया, अब आप बताइए क्या ये आपकी स्ट्रेटजी है, बीजेपी की साजिश है कि पाकिस्तान का फितूर जो है छोड़ दो, सारा विपक्ष एक साइड, आपको तो कुछ करना ही नहीं है सर, बैठ के तमाशा देखिए, मुद्दे तो आएंगे ही नहीं, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान होता रहेगा, साजिश है। श्वेता जी एक चीज बताइए, क्या विपक्ष के जो ये ऑस्ट्रेलिया रिटर्न, लंदन रिटर्न, जो विपक्ष के नेता हैं इतने बड़े बड़े, इनको क्या समझ नहीं है कि अगर ये पाकिस्तान की बात करेंगे तो जनता इनको जवाब देगी, इनको भी समझना चाहिए, देश हित में जब इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए एक अच्छा काम किया तो इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको तारीफ करी थी, उनकी तारीफ की थी, लेकिन आज इनकी परेशानी है, मुझे लास्ट कोई एक ऐसा डिसीजन बता दीजिए सरकार का जो सरकार ने इस देश के लिए लिया हो और विपक्ष ने कहा हो कि नहीं ये ठीक डिसीजन है, एक भी नहीं, हालांकि अगर राम मंदिर का डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया तो उसके बाद ओवैसी ने भी ये आकर कहा कि सुनिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है लेकिन इन्फेलिबल नहीं है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस देश में जो भी डिसीजन होगा हम उसका विरोध करेंगे, तो परेशानी और विरोध का स्तर इतना ज्यादा है, राहुल गांधी ने जो भाषा लिखी थी वही भाषा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी में लिखकर यूनाइटेड नेशन को दी। अच्छा अब एक चीज बताइए, आप पाकिस्तान आपकी भाषा को उठा रहे हैं, आपको नहीं पता, आप मुझे पहला बड़ा सीधा सा कानून का एक नियम है इस देश के संविधान ने, इस देश के संविधान ने लेजिस्लेशन को यह पावर दिया है कि वो कानून बना सके, अगर आप उस कानून से इत्तेफाक नहीं रखते कानून बना सकते सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन प्रॉब्लम कानून नहीं है, प्रॉब्लम है इनकी जो दुकानें बंद हो गई हैं, मैं यादव के नाम पे, मैं दलित के नाम पे, मैं मुस्लिम के नाम पे पार्टी बनाकर बैठे हैं, अब परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आ गई तो दुकानें बंद हो गई, अब दुकानें बंद हो गई तो लड़ाना तो था ही, कैसे लड़ा दिया, भारतीय जनता पार्टी के सारे राज्य हार जाए चाहे केंद्र में हार जाए लेकिन हम राष्ट्रवाद को नहीं छोड़ेंगे, राष्ट्रवाद को नहीं छोड़ेंगे, हर आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज तक कोई राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं कर सका, जवाब दीजिए, ये देखिए राष्ट्रवाद सुनते राष्ट्रवाद सुनते राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं बता सका, अरे टेप रिकॉर्डर है सर, सर बटन का बता दो मैं दबा दूं, शिवम शिवम प्लीज राष्ट्रवाद, शिवम अरे आप लोगों ने टेप रिकॉर्डर लगाया क्या, आज तक बताया किसी को जो कैसे डाल सकता है, ये तो बात सवाल बीजेपी वाले राष्ट्रवाद।
और जब तक ये नागरिकता संशोधन कानून खत्म नहीं होगा, समाजवादी पार्टी असहयोग आंदोलन चलाती रहेगी। असहयोग आंदोलन कह रहे हैं, सत्याग्रह बात कर रहे हैं, बसेस जलाई जा रही हैं, प्राइवेट व्हीकल जलाए जा रहे हैं, पुलिस थाने को जलाया जा रहा है, आपके हवाले किया जा रहा है, ये सत्याग्रह आंदोलन है, ये सत्याग्रह आंदोलन है, सात सालों से उस आंदोलन की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव को कहिए देखिए, एक बात यह है, एक बात यह है कि जैसे कह रहे हैं कि मुसलमान का जिक्र क्यों हुआ, आप संख्या कहना चाहिए, पीएफआई में सारे के सारे मुसलमान ही क्यों है, हिंदू उसमें एक भी नहीं है, तो जितना जब जो उग्र प्रदर्शन करना होता है, जितनी हिंसाएं हो रही, हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, ज्यादा नाम मुसलमानों के ही क्यों आ रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों को इतनी फैसिलिटी दी गई, इतना उनको सम्मान दिया गया, इसके बाद इस देश को चलाने में हिंसा करने में पीएफआई में आतंकवाद सारे के सारे बीजेपी के पास सुन लीजिए हम कहते हैं हिंसा हिंसा करने में आप आगे हैं जगत गुरु, अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मुसलमान का नाम क्यों लिया, एक मिनट सुन लीजिए, क्या श्वेता श्वेता क्या देश ये नहीं समझता, क्या क्या देश ये नहीं समझता कि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत था, सीए का बिल पास कर लेता आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, विपक्ष रोक सकता था ईमानदारी से, क्यों नहीं रोका विपक्ष ने, और जिन दलों ने जाकर के वोटिंग के समय बाहर निकल गए, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उन लोगों के साथ आप सरकार बना रहे हो, जनता के सामने कह रहे हो कि सीए बिल का हम विरोध करेंगे सड़कों पे, क्या उन लोगों से आप दूरी नहीं बना सकते जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रह करके सीए बिल को पास कराया, और आपकी विचारधारा भी नहीं मिलती, इशारा किस ओर, जब आपने कांग्रेस में बैठे हुए यहां पे लोकतंत्र के अंदर अपनी अपनी विचारधारा है, हमारे को लोकतंत्र ने ये अधिकार दिया है, हम किसी भी पिछली बात का जो देश के प्रियम्बल के खिलाफ हो उसके विरोध में प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, आप हमारे उनका विरोध आप क्यों नहीं कर रहे सरकार पे, सुनिए उन लोगों के साथ सत्ता में क्यों हैं आप लोग, सुनिए कौशिक जी मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र के आधार पर मुझे मेरी राजनीतिक पार्टी ने अधिकार दिया है कि मैं किसी भी बिल का विरोध करूं, किसी भी ऐसी संविधान के खिलाफ है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ है, समर्थन उसका विरोध करने में आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, मैं राजनीतिक पार्टी का सक्रिय हूं, उसका विरोध कर सकता हूं, गुमराह करके आपने राज्यसभा में बिल पास कराया, आपको ऐसा लगता है जो करोड़ों है, करोड़ों लोग जो सड़कों पर उतरे हुए वो गुमराह है, अरे आपको ऐसा लगता है वो गुमराह है, आप और हम यहाँ बैठ जाके सही रास्ते पर हैं, वो लोग करोड़ों लोग जो सड़कों पर आंदोलन करने में गुमराह है, क्या उनके अंदर अपना दिमाग नहीं है, यदि वो कानून पास नहीं होता, वो कानून पास नहीं होता, आप उनके साथ सत्ता में क्यों है, आप उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे, सत्ता में विरोध नहीं कर रहे, हमने अपने विचार, हमने बिल्कुल विरोध किया है, हमने पूरी मजबूती के साथ विरोध किया है, अरे सर पूरा देश देख रहा है किसने परहेज किया किसने नहीं, ये वो तो वही बात हुई, एक तरफ आप सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, विचारधारा के देश भी चले जाते हैं, और यहाँ बैठ के भजन गा रहे हैं, नौमानी साहब, नौमानी साहब, आपको नहीं लगता धर्म विशेष का नाम ले लेने भर से कहीं ना कहीं लगता है कि सभी पार्टियां अपना जो हित है वो साध लेती हैं, इसीलिए बार बार एक धर्म विशेष का नाम लिया जाता है और फिर पाकिस्तान का, अगर मुद्दा यहाँ ना सुलझे तो पाकिस्तान से
कोई भी जो है कोई भी पीसा जाता है, कोई भी जो है आज धर्म विशेष का नाम लिया जाएगा। मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई का नाम लिया नहीं गलत है, आपको भारतीय नागरिकता के संदर्भ में बात करनी चाहिए। सबको मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हो जाने की भारतीय नागरिकता मोदी कौन होते हैं? जब तक अच्छा काम हम कर रहे हैं मोदी जी जो है मोदी का कौन कौन नाम लेते हैं? हम देश के बारे में बात करेंगे, भारत मोदी जी के साथ खड़ा की आवश्यकता है इस समय। क्या लगता है पाकिस्तान का जो शगुफा छोड़ दिया जाता है? डॉक्टर दुआ आपसे पूछ रही हूँ, ये जानबूझ के ध्यान रखने की कोशिश की जाती है, ये जानबूझ के कि इस पर भी राजनीति हो, सब्जेक्ट से आप भटक जाइए, आप इस पर बात करने लगे हिंदू पाकिस्तान का ये मुद्दा हो आइदर यू आर विद योर कंट्री और यू आर अपोज विद योर डॉक्टर दुआ। पूरा का पूरा राजनीतिक हो रही है और इसमें जो है वोट बैंक की राजनीतिक है। बीजेपी को भी नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान आप अखिलेश को भेज दें, क्योंकि अखिलेश जी कोई मुसलमान या कोई घुसपैठिया नहीं है। नहीं अखिलेश जी हिंसक प्रदर्शन करने वाले लोगों के सपोर्ट में आप खुद करें कि उत्तर प्रदेश का क्या देख लें भाई, क्या देख लें, क्या दिखाना चाहते हैं आप? नहीं ये ठीक नहीं है, आप दूसरी समझते तो है नहीं। यहाँ के अल्पसंख्यकों को सुनिए, यहाँ के अल्पसंख्यक सुखी है वो नहीं देख पा रहे वो चाहते हैं ना। सुनिए सुनिए पाकिस्तान से आपने बात कर रखी, पहले सुनिए पाकिस्तान से पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भ्रमित करके और लड़ा करके हिंसक प्रदर्शन करके उनको चैन से नहीं देना चाहते हैं। आप लोग आप क्या प्लीज एक कंक्लूजन तक पहुंचने दीजिए नौमानी साहब, प्लीज प्लीज लेट मी कंप्लीट, जगत गुरु प्लीज लेट मी कंप्लीट सर, पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है, जगत गुरु आंखें खोलिए, लेट मी कंप्लीट, दो मिनट बचे हैं सर। मैं इसलिए दुआ साहब के पास आई थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कम से कम किसी पार्टी के फेवर में तो नहीं बोलेंगे, इतना तो यकीन है ना दुआ साहब के? आपको लगता है कि जानबूझ के हर पार्टियां इस तरह की राजनीति करती हैं और जब कहीं कुछ नहीं बचता है तो शगुफा पाकिस्तान के नाम का छोड़ दिया जाता है? जानबूझ करके राजनीतिक सब ऐसा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जहां पे अखिलेश जी ने कहा कि ये जो है हम उनको अवार्ड देंगे ये करेंगे, वो अपनी जगह पे गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है हमारे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर वो भी माननीय रहे हैं और उनको पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, वो भी स्टेटमेंट गलत है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। दे देंगे सुनील कौशिक, क्या लगता है कि शायद इसलिए बोला गया स्वतंत्र देव ने जब कही ये बातें, अगर सुनिएगा तो पूरा स्टेटमेंट आपने तो सुना होगा सर, पूरा स्टेटमेंट इसलिए था कि पहले जाके दूसरी जगह में स्थितियां समझे कि वहां किस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ता है, वहां आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं और आप यहाँ पे इस तरह की बातें खुलकर कह रहे हैं। पाकिस्तान को मत बोलो, बुरा लग जाता है। मुझे वाइंड अप करना है सर, आंदोलन के समय मुझे जल्दी बताओ, आंदोलन के समय मुसलमानों के ठेकेदार बैठे हैं ना, और ये कांग्रेस इस देश में 70 सालों में मुसलमानों के साथ आपने क्या किया है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके मुंह पे तमाचा है, इस देश के मुसलमान को आपने अपने आप में ही दूसरे दर्जे का नाजायज बना दिया। अगर उनके लिए आपने कुछ किया होता तो आज वो मतलब ये नहीं होते। आज अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है, आज अगर प्रधानमंत्री बात करते हैं तो सबकी बात करते हैं। अगर घर है तो सबके लिए है, अगर बीमा है तो सबके लिए है, अगर इलाज है तो सबके लिए है।
अगर किसी कंक्लूजन तो से आप जो है आप लोगों ने किया सभी सभी पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। कंक्लूजन पे आप पहुंचने नहीं देते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपने शो को खत्म करती हूँ। तो यहाँ यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये भारत की परंपरा रही है और रहेगी। लेकिन लोगों को समझना होगा कि धर्म के नाम पर या फिर किसी भी नाम पर बांट कर राजनीति कौन कर रहा है। और पाकिस्तान का नाम अगर बीच बहस में आ रहा है तो इसके पीछे क्या साजिश है, इसे भी आपको समझने की कोशिश हो। जिस दिन देश जाग गया उस दिन पॉलिटिकल पार्टियां एक साइड हो जाएंगी और यही करना है। चलिए बहस में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। हिंदुस्तान को क्या रखना चाहते हैं आप, जाइए पाकिस्तान में।